आज दिनांक 2 जनवरी 2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य व अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल द्वारा जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में कुल 32 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। जनवरी से कुछ नई जन सुनवाई की व्यवस्था शुरू हुई है, वो क्या है? शासन के निर्देशानुसार जन सुनवाई को एकदम प्राथमिकता दी जाती है। पिछले वर्ष में 2022 में हम लोगों ने लगभग सभी थाना चौकी और पुलिस ऑफिस मिला के 45,000 समस्याओं का निराकरण कराया है और उसी को और सुदृढ़ करते हुए परमानेंट जन सुनवाई अधिकारी सभी थानों पर नियुक्त किए गए हैं। इसमें महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल और एक दरोगा, जो अनुभवी दरोगा है, उनको नियुक्त किया गया है। इनको और कोई काम थाने पर नहीं दिया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ जन सुनवाई का काम करेंगे। इनको पुलिस लाइन में बुला के ट्रेन भी किया गया है कि किस तरीके से इनको आम जनमानस के साथ व्यवहार करना है, किस तरीके से उनकी समस्याओं को सुनना है और उसको रजिस्टर में एंट्री करनी है, किस प्रकार से जांच करानी है। इसके साथ साथ गूगल शीट का भी उपयोग करते हुए, जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, सारी शिकायतें जो थाने में प्राप्त होंगी वो गूगल शीट पर भी अपलोड होंगी और उसको जो जितने भी अधिकारी हैं वो सब लोग देख सकेंगे कि क्या शिकायत, कितनी शिकायतें आज प्राप्त हुई, वो क्या क्या प्राप्त हुई और उसमें जाँच के बाद क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई। ये सब इसीलिए किया गया है ताकि थाने स्तर पे, जो हमारा ग्रास रूट लेवल है, उस पे जो पब्लिक आ रही है अपनी समस्याओं को लेकर, उसका क्या हो रहा है, किस प्रकार से समाधान हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन लापरवाह है, ये डायरेक्ट मॉनिटरिंग मेरे द्वारा और अधिकारियों के द्वारा की जा सके। इसमें बहुत गंभीरता से जो भी लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो अच्छा काम करने वाले लोगों को उनको रिपोर्ट किया जाएगा। सर, जो फरियादी होता है वो एप्लीकेशन देता है या ऑनलाइन जो भी करता है, तो उसको ऑनलाइन क्या उस पर ट्रैक कर सकता है कि क्या वो उसकी पोजीशन है, उसकी जो फरियाद है? इसके लिए तो IGRS का सिस्टम ऑलरेडी है, जो IGRS का पूरे UP में सिस्टम चल रहा है, उसके माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। मेरे ऑफिस में भी जो प्रार्थना पत्र आ रहे हैं वो भी IGRS के माध्यम से हम लोग उसको भेज रहे हैं थानों को, तो कोई भी फरियादी ये ट्रैक कर सकता है कि उसकी एप्लीकेशन का क्या हुआ, उस पर जाँच आख्या क्या लगी, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, पुलिस उस पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम डिपार्टमेंट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक कर सकता है। ये जो हम लोगों ने सिस्टम किया है ये अपना इंटरनल चेक करने के लिए किया है कि जो फरियादें हमारे पास आई हैं उस पर हम लोगों ने क्या कार्रवाई की है, हम खुद भी इसको थाना स्तर पर चेक कर सकें, इसलिए इसको लागू किया गया है। सर, कई जैसे पिछले वर्ष के जो आप ट्रैक था तो कई थानों में कम हुई जन सुनवाई या वहाँ पे जो निस्तारण नहीं हुआ, आपके यहाँ लोग आते हैं तो इसमें क्या? इसमें तो पूरे साल मेरे ख्याल से हम लोगों ने 14 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, जो जिनकी उस दिन जन सुनवाई की जिम्मेदारी थी और जो आदमी गया पब्लिक का, उसकी सुनवाई नहीं हुई या उसकी सुनवाई में देरी लगी या उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, ऐसे 14 लोगों पुलिसकर्मियों के विरुद्ध पिछले साल कार्रवाई की गई है। और पिछले कुछ महीनों का एक्सपीरियंस ये है कि ऐसी शिकायतें मेरे पास आनी कम हुई हैं, लेकिन लगातार सबको यही बताया गया है कि कोई भी लापरवाही होगी तो कार्रवाई जरूर की जाएगी, इसमें कोई नहीं डाउट।